दूरदर्शन न्यूज। बिहार आज भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य। जन सुराज पद यात्रा के 189वें दिन की शुरुआत सारण के सोनपुर प्रखंड अंतर्गत भरपुरा पंचायत स्थित पदयात्रा कैंप में सर्वधर्म प्रार्थना से हुई। इसके बाद प्रशांत किशोर सैकड़ों पदयात्रियों के साथ गोपालपुर पंचायत से पदयात्रा के लिए निकले। आज जन सुराज पदयात्रा भरपुरा जहांगीरपुर होते हुए सोनपुर प्रखंड अंतर्गत सोनेपुर नगर परिषद पंचायत अक्षरा स्कूल मैदान में प्रशांत किशोर का तमिलनाडु में बिहारियों पर हिंसा के बाबत बड़ा बयान। बोले, आज़ादी के समय बिहार और तमिलनाडु विकास के मामले में बराबर थे, आज तमिलनाडु बिहार से 6 गुना आगे। पिछले 50 वर्षों में बिहार ने 27 मुख्यमंत्री देखे, ऐसा क्यों है कि कोई भी बिहार की तस्वीर बदल नहीं पाया? आखिर यहाँ की गरीबी खत्म क्यों नहीं हो रही है? 1950 में बिहार तमिलनाडु बराबर के राज्य थे। आपको ये समझने की जरूरत है कि आखिर बिहार में ये दुर्दशा है क्यों, आखिर यहाँ की गरीबी खत्म क्यों नहीं हो रही है। 1950 में बिहार तमिलनाडु बराबर के राज्य थे, आज तमिलनाडु बिहार से 6 गुना आगे हो गया। ऐसा क्या है कि बिहार में दशा नहीं सुधर रही है? इस बात को समझिए। जब तक रोग के कारण का आपको समझ नहीं होगा, तब तक रोग का इलाज नहीं हो सकता। आपको लग रहा है कि सरकार ठीक नहीं है, आपको लग रहा है कि नेता काम नहीं कर रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि ये वजह ही नहीं है, वजह कहीं दूसरी है। देखिए, दुनिया में गरीबी से निकलने के विद्वानों ने 3 ही रास्ते बताए हैं। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ जाएगा, शिक्षित हो जाएगा, पढ़ लिख के नौकरी पा जाएगा, तो उसकी जिंदगी सुधर सकती है। दूसरा रास्ता है खेती। अगर पढ़ाई नहीं थे, खेती जो जमीन हो के, तो खेती किसानी करके भी वो अपन जिंदगी बढ़िया कर सकता नहीं। और तीसरा रास्ता है पूंजी। अगर पढ़ाई नहीं है, खेती नहीं है, लेकिन पैसा हो, पूंजी हो, तो दुकान दौरी करके, रोजी रोजगार, व्यापार करके अपन जिंदगी घर चला सकता है।